अगर आप भी खरीद रहे हो MI A3 खरीदने की और अगर आपने ऑर्डर कर दिया है तो इस ऑर्डर को मतलब जो MI A3 ऑर्डर किया आपने उसे कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि MI A3 आपको क्यों स्किप करना चाहिए। इवन ये एक पहला ऐसा फ़ोन है जो कि मैंने लेकर रिग्रेट किया है। इस फ़ोन में इतनी कमियाँ हैं, कम से कम 10 कमियों की मैंने लिस्ट बना रखी है और आपको मैं बताने वाला हूँ क्या क्या कमी आपको देखने को मिलेगी। अनडाउटली अगर आप इसे 13,000 के 10,000 रुपये में खरीद रहे हो तो उसे कैंसिल कर देना, क्योंकि ये फ़ोन बना ही नहीं है। मतलब MI की A सीरीज ऐसी आ रही है कि जो A2 था उसमें भी आपको काफ़ी सारे बग देखने को मिलते थे, A1 में भी काफ़ी सारे बग देखने को मिलते थे, और A3 में कम से कम इतने बग है जो कि मुझे एक ही दिन में मालूम चल चुके हैं। अगर मैं फोन को और 7 दिन तक यूज़ करता हूँ तो काफ़ी सारे बग आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि ओवरऑल फ़ोन डिजाइन वाइज काफ़ी अच्छा है, फ़ोन की डिजाइन लुकिंग एंड फील काफ़ी अच्छी है, कॉम्पैक्ट फ़ोन है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहली चीज़ 720p की डिस्प्ले, लोग आपको ये कह रहे होंगे कि इसमें एमोलेड डिस्प्ले है, 720p और 1080 का IPS LCD डिस्प्ले पैनल अच्छा होता है, बट इन रियल ओपिनियन अगर आप इस फ़ोन की फुल ब्राइटनेस करके वीडियोस वगैरह देखते हो तो आपको पिक्सल्स फटे हुए मिलेंगे, मतलब ठीक से पिक्सल नहीं मिलेंगे, चाहे एमोलेड डिस्प्ले हो चाहे IPS डिस्प्ले हो। 720 वाला फील आएगा आपको, 1080 वाला फील नहीं आएगा, मतलब एक शार्प डिस्प्ले होती है ना वो वाला फील आपको नहीं आएगा। अगर आप वीडियो वगैरह देखते हो फिर गेमिंग वगैरह करते हो तो आपके लिए फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है, रेकमेंड नहीं करता हूँ। सेकंड प्रॉब्लम इसकी ब्राइटनेस के साथ में, हालांकि अभी आपको ब्राइटनेस ज़्यादा दिख रही होगी क्योंकि मैं डायरेक्ट सनलाइट में हूँ तो डायरेक्ट सनलाइट से यहाँ पर कॉन्टेक्ट हो रहा तो ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। अगर आप आउटडोर कंडीशन में इस फ़ोन को यूज़ करते हो तो फ़ोन की ब्राइटनेस इनफ नहीं है आउटडोर कंडीशन में यूज़ करने के लिए, मतलब जो ब्राइटनेस फुल ब्राइटनेस है इसकी ठीक नहीं है, प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। इवन इसका ऑटो ब्राइटनेस सेंसर इतना बेकार है कि जो आज के 3 साल पहले फ़ोन आते थे उनमें भी इससे अच्छा ब्राइटनेस सेंसर देखने को मिलता था, तो ऑटो ब्राइटनेस सेंसर बिल्कुल बेकार है, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा होता है, और सनलाइट में तो बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है। सेकेंड चीज़ ये हो चुकी है कि इसका ब्राइटनेस सेंसर बिल्कुल बेकार है। फर्स्ट चीज़ ये कि इसकी डिस्प्ले बिल्कुल बेकार है, मतलब डिस्प्ले को मैं 0 out of 1 देना चाहूँगा। 720p की एमोलेड डिस्प्ले पर बिल्कुल बेकार डिस्प्ले, मतलब इससे अच्छी डिस्प्ले सैमसंग की होती है बट यहाँ पर काफ़ी बेकार डिस्प्ले यूज़ की गई है। थर्ड चीज़ ये कि यार मैं मानता हूँ कि कंपनियाँ एक दूसरे से कंपटीशन कर रही है बट कंपटीशन करने पर हमें ही लॉस हो रहा है, कंपनी को लॉस नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसमें दिया हुआ है जो कि एक काफ़ी अच्छी इनोसिटिव है, मतलब 13,000 रुपये की कीमत में फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देना काफ़ी अच्छी बात है, बट इन जनरल डेली लाइफ में बिल्कुल बेकार फिंगरप्रिंट है। कंपनी ने तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दे दिया बट अगर आप इसे यूज़ करते हो डेली तो काफ़ी बेकार है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। फिर उसके बाद में हमें फील आता है कि यार इससे अच्छा जो बैक का फिंगरप्रिंट था, फिजिकल फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा था, क्योंकि फिजिकल फिंगरप्रिंट काफ़ी जल्दी अनलॉक हो जाता है बट यहाँ पे ये काफ़ी देर तक अनलॉक नहीं होता, इवन कई बार ये अटेम्प्ट भी ठीक से नहीं कर पाता है, और कई बार ये अटेम्प्ट नहीं कर पाता मतलब कई बार रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और अनडाउटली सॉफ्टवेयर के साथ में ठीक हो सकता है बट इतनी सारी चीज़ें हैं कि फ़ोन अभी तक आउट ऑफ द बॉक्स हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। फ़ोन का जो ईयर पीस दिया हुआ है वो भी ठीक से वर्क नहीं करता, अगर आप इन द केस लाउड स्पीकर मतलब सॉरी अगर आप मान लीजिए ट्रैफिक में हो या फिर कहीं भी हो तो आपका ये जो ये स्पीकर है मतलब जो ईयर पीस है वो ठीक से वर्क नहीं करेगा। अगर आप ट्रैफिक में हो, मार्केट में चल रहे हो तो आपको ठीक से आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। कल मैंने 2-4 बार ही फ़ोन कॉल किए थे जो भी ट्रैफिक में था मैं, तो उस टाइम आवाज़ आपको ठीक से नहीं देखने को मिलेगी, तो यार मुझे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है इस फ़ोन के साथ में। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट बेकार है एकदम, कोई काम का नहीं है, इतना टाइम लगेगा कि आपको गुस्सा आ जाएगा अपने फ़ोन के ऊपर कि यार मैं ऐसे ही अनलॉक कर लूँगा पिन के थ्रू तो वो अच्छा रहेगा। अगली चीज़ जो मैं आपको दिखा दूँ, अगर इसकी बात करोगे तो आपको जिसका कैमरा है डे लाइट कंडीशन में काफ़ी अच्छी है, गूगल कैमरा से आप काफ़ी अच्छी फोटो ले सकते हो, बट इन नाइट कंडीशन मैं कहना चाहूँगा कि 0 out of 0 देना चाहूँगा। नाइट में यार पिक्सल्स बिल्कुल फटे हुए आ रहे हैं इस फोन के, यार इससे अच्छा Realme 3 Pro अच्छा था जो कि मैंने उदयपुर की काफ़ी सारी फोटोज डाली थी, और इवन अभी Realme X की मैं इससे कंपेरिजन कर रहा हूँ, आप देखना कंपेरिजन की वीडियो में, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप नाइट में फोटोग्राफी करते हो फिर कुछ भी करते हो, नाइट में कैमरा बेकार है, डे लाइट कंडीशन में कैमरा मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब गूगल कैमरा के थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हो, बट इन रियल ओपिनियन रियलमी के फ़ोन से बेकार कैमरा है क्योंकि कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह सारे डल आते हैं इसमें, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर गेमिंग वगैरह आप कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा नहीं है फ़ोन, क्योंकि HD डिस्प्ले दी हुई है तो आप इसमें ना तो HD ग्राफिक्स में गेम खेल सकते हो इस प्राइस रेंज में, यार HD ग्राफिक्स में आप गेम खेल सकते हो। हार्डकोर गेमर हो या फिर गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, गेमिंग के लिए फ़ोन मत खरीदना, बिल्कुल बेकार फ़ोन है गेमिंग के लिए। हालांकि स्नैपड्रैगन 665 नया प्रोसेसर है
बट इतना अच्छा है गेमिंग के लिए वर्क नहीं करता। स्नैपड्रैगन 712 के साथ जा सकते हो, जो कि वीवो Z1 प्रो या फिर रियलमी 5 प्रो है, वो अच्छा वर्क करेगा इससे। अगली चीज़ ये कि फास्ट चार्जर नहीं दिया गया है इसमें। मतलब अब ये कहना चाहूँगा कि यार, जो कम्पिटिटिव कंपनी है वो आउट ऑफ द बॉक्स चार्ज फास्ट चार्जर दे रही है, तो आपको रियलमी क्यों नहीं दे सकती? इतनी कॉस्ट कटिंग इसमें की गई है, जो प्लास्टिक का फ्रेम दिया, हालांकि ग्लास बिल्ड है बट बीच में जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का, और LCD डिस्प्ले दी हुई है, तब भी फास्ट चार्जर आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आपको एक दुख तो होता ही है। स्टोक एंड्रॉइड दिया हुआ है, नो डाउट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, बट जो स्टोक एंड्रॉइड की मतलब ट्यूनिंग है, वो आपको ऐसा फील कराएगी कि मतलब जब आपने कोई 3-4 साल पुराना एंड्रॉयड यूज़ कर लो। जो रिंगटोन वगैरह है, मैसेज ट्यून वगैरह, जो काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइम के एंड्रॉयड की याद दिलाती है आपको, मतलब ऑप्टिमाइजेशन ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। स्टोक एंड्रॉयड में हर फोन में प्रॉब्लम रहती है, बैटरी लाइफ 4000 mAh की, बट आप एक दिन भी आराम से नहीं निकाल सकते हो। मेरी बैटरी कल 55% थी, मैंने कुछ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की थी और रात तक बैटरी ऑटोमेटिकली डाउन हो गई। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। फास्ट चार्जर इन द बॉक्स देखने को नहीं मिलेगा, वो भी एक इशू है। और अगली चीज़ हाई प्राइस। यार, एक केवल ग्लास बिल्ड का होने की वजह से अगर आप इसकी प्राइस बढ़ा रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि इसमें आपको कॉस्ट कटिंग के साथ में डिस्प्ले में दिया हुआ है, जो कि 720p प्लस। आप लोग कहेंगे कि AMOLED पैनल है ज़्यादा अच्छा रहता है, बट इन रियल ओपिनियन अगर आप फोन यूज करते हो तो काफ़ी बेकार डिस्प्ले है। मैं अगेन एंड अगेन यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने 13,000 रुपये खर्च किए हैं, तो मेरे को जो लगेगा वो तो मैं बोलूँगा ना, यार क्यों मैंने 13,000 रुपये खर्च किया, पहली बार किसी गंदे फ़ोन पर 13,000 रुपये खर्च किए हैं। मुझे नहीं पता था कि यार एक्सेप्टेशन इतनी बेकार हो जाएगी। हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया हुआ, चलो कोई बात नहीं, हाइब्रिड सिम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, बट इन जनरल आधे से ज़्यादा फ़ोनों में आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलते हैं इस प्राइस रेंज में, तो ये भी एक इशू है। तो ये सारे इशू थे जो मैं आपको बता दिए हैं। अगर आपको लगता है फिर भी आप खरीदना चाहते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों से आप खरीद लीजिए, बट खरीद के मुझे ही कमेंट करना कि मैंने सही सलाह दी थी, क्योंकि 13,000 रुपये इसके सामने डुबाना ठीक नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।